हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेंस हेल्थ पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष बांझपन क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसमें हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं, इसके इलाज के बारे में भी हमने बात की थी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और इसमें हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं, इसके इलाज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है। ये जो फैलोपियन ट्यूब हैं, ये बच्चेदानी के दोनों तरफ एक पतले ट्यूब्स होते हैं और यह बच्चेदानी को अंडाशय से जोड़ कर रखते हैं। ये जो फैलोपियन ट्यूब हैं, ये जब हमारा अंडा रिलीज होता है तो यह अंडाशय से और गर्भाशय तक अंडे को पहुंचाने का कार्य इन्हीं फैलोपियन ट्यूब्स का होता है। अगर किसी भी कारणवश हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो हमारा जो अंडा है वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है और हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होने के क्या लक्षण हैं। इसका जो सबसे पहला लक्षण है वो है बच्चेदानी में सूजन या फिर इन्फेक्शन का होना, जिसे हम PID बोलते हैं, यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। अगर हमारी बच्चेदानी में सूजन और इन्फेक्शन है तो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं और हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आ सकती हैं। ये जो PID, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बोलते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है और इसे हम STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी कहते हैं। इसका जो दूसरा कारण है वो है, हमने हाल ही में अगर हमारा गर्भपात या फिर अबॉर्शन हुआ है तो भी हमारी जो बच्चेदानी है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं। इसका जो तीसरा कारण है वो है एंडोमेट्रियोसिस का होना। ये जो एंडोमेट्रियोसिस है, यह एक प्रकार की बीमारी होती है और इसमें जो मरीज होता है उसको पेट के निचले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और पेट में खिंचाव महसूस होता है। ये जो एंडोमेट्रियोसिस है, यह एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें जो बच्चेदानी के अंदर जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वह पूरे पेल्विक एरिया में जगह जगह पर इसका विकास होने लगता है और जब हमारा पीरियड आता है तो उस टाइम ये जो ब्लीडिंग है ये बच्चेदानी में भी होती है और जहाँ जहाँ पर जो इंडोमेट्रियम के जो पैचेज होते हैं उनमें भी ब्लीडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बच्चेदानी और पेल्विक एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है और हमारी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। और इसके साथ ही अगर हमने फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन या फिर सर्जरी करवाई है और दोबारा हम बच्चे करने के लिए सोच रहे हैं तो हम अपनी सर्जरी दोबारा से खुलवाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सर्जरी जब हम दोबारा खुलवाते हैं तो ये कभी कभी सक्सेस नहीं होती है और ये ट्यूब्स दोबारा से ब्लॉक हो जाती हैं। यह भी एक कारण हो सकता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने का। तो ये तो थे कुछ कारण। अब हम जानेंगे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं इसके क्या लक्षण होते हैं। इसका जो सबसे पहला लक्षण है वो है सफ़ेद पानी आना। बहुत सी महिलाओं को जिनका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होता है उनको पिछले कुछ दिनों से सफ़ेद पानी या फिर हल्के पीले रंग का पानी आने की शिकायत रहती है और इसके साथ ही पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है। यह दर्द सेक्स करते समय भी रह सकता है और इसके साथ ही अगर आप पेशाब करते हैं तो उस समय भी आपको दर्द हो सकता है और आपको पेट के निचले हिस्से में
भारीपन महसूस हो सकता है और आपको पेट के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस हो सकता है। ये सब जो लक्षण होते हैं ये अधिकतर इंडोमेट्रियोसिस में देखे जाते हैं, लेकिन अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है उसमें भी ये लक्षण हो सकते हैं, और अगर आपको इंडोमेट्रियोसिस है तो उसकी वजह से भी आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती हैं। अब हम जानेंगे कि फैलोपियन ट्यूब जब ब्लॉक होती है तो उसमें हम क्या टेस्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो वो आपका एक टेस्ट करवाएंगी जिसे हम HSG टेस्ट बोलते हैं, यानी हिस्टरोस्पेंजोग्राम। ये जो टेस्ट होता है यह आपका एक प्रकार का एक्सरे होता है और इसे सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट ही करती हैं। इसमें आपकी जो वजाइना होती है उसके थ्रू एक डाई डाली जाती है और यह डाई आपकी बच्चेदानी से होकर आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में जाती है और इसके बाद में आपके पूरे पेल्विक एरिया में फैल जाती है। और ये जो एक्सरे मशीन होती है उससे एक्सरे लिए जाते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये जो डाई है ये आपको पूरे फैलोपियन ट्यूब, बच्चेदानी और पेल्विक के स्कैन करती है। अगर ये डाई कहीं पर रुकती है तो डॉक्टर ये जान जाते हैं कि आपकी कौन सी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। अगर ये जो HSG टेस्ट होता है यह करवाते समय डॉक्टर को कोई डाउट होता है तो डॉक्टर आपको लैप्रोस्कोपिक टेस्ट करवाने की सलाह दे सकते हैं, जिससे वो और ज़्यादा ये गहराई से जान सकें कि आपकी जो ट्यूब्स ब्लॉक हैं वो ट्यूब्स का कितना हिस्सा ब्लॉक है। ये जो लैप्रोस्कोपिक टेस्ट होता है इसमें डॉक्टर आपके पेट में छेद करते हैं और उसके माध्यम से लैप्रोस्कोप अंदर डालते हैं और उसमें एक लाइट लगी रहती है जिसके माध्यम से वो ये देखते हैं कि आपका जो फैलोपियन ट्यूब जो ब्लॉक है उसका कितना हिस्सा ब्लॉक है और कितना हिस्सा सही है। तो ये तो कुछ थे टेस्ट जिनके माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक कहाँ कहाँ पर है और कौन सी है। अब हम जानेंगे कि जब फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसमें हम क्या इलाज करवा सकते हैं। इसका जो सबसे पहले जो डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि अगर आपकी जांचों में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक आती है तो अगर आपकी एक तरफ की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो डॉक्टर आपको कुछ ऑवलेशन के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे कि इन दवाइयों को आपको लेने से आपका जो अंडा है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और सही साइज का अंडा तैयार होगा। और आप एक तरफ की फैलोपियन ट्यूब खुली होने से भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगर आपकी दोनों तरफ की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए सलाह दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब आप ये सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी करवाने के बाद आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अगर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनका हिस्सा बहुत ज़्यादा ख़राब है तो यह ऑपरेशन बहुत कम सक्सेस होते हैं, लेकिन अगर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब हैं वो सर्जरी के बाद हेल्दी हैं तो लगभग 20-40% तक चांस हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगर आप ऑपरेशन करवाने के बाद भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाए हैं तो फिर डॉक्टर आपको IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने के लिए सलाह दे सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि अगर हमारे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हैं तो हम क्या इलाज ले सकते हैं, लेकिन ये जो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने से हम कैसे बच सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर हमें कुछ दिनों से सफ़ेद पानी या फिर पीले रंग के पानी की शिकायत है और इसके साथ ही हमें खुजली हो रही है तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने कुछ बेसिक टेस्ट करवा लेने चाहिए। अगर समय रहते हम अपने इन्फेक्शन का इलाज करवा लेते हैं तो हम फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने की समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों,
आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।